चाशनी की मिठास और मसालों के चटकारे। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल में स्वाद के समंदर में डूब जाइए। यहाँ 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाने परोसे जा रहे हैं। अनेक जायके लीजिए और अनेकता में एकता का मजा चखिए। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है, तो अलग अलग राज्यों ने अपने सदनों और भवनों में अपने खास पकवान सजाए हैं। इस उत्सव का मकसद घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की अलग अलग संस्कृतियों से पहचान भी करवाना है। हमारा खाना कश्मीर की मोहब्बत, रिवायत और एतबार की नुमाइंदगी करता है। हमारे शाकाहारी और मांसाहारी पकवान हर तरफ जाने जाते हैं। खाना पर्यटन का एक बहुत अहम हिस्सा है, इससे लोग खींचे चले आते हैं। मैडम, ये एक्चुअली क्या है, ये फूड जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है एमपी का, तो ये फेस्टिवल के रूप में हम लोग शो करते हैं कि हमारे एमपी में या अदर स्टेट में जो जिनका स्टेट है क्या क्या फूड वहाँ पर हम लोग चला रहे हैं। जो पुराने फूड थे उनके बारे में जानकारी आज नहीं है लोगों के पास में, तो इस माध्यम से हम लोग उनको बताना चाह रहे हैं मिलेट्स क्या होते हैं। मटन रोगन जोश से लेकर लिट्टी चोखा हो या सांबर वड़ा, लोग अलग अलग भवनों में खानों का लुत्फ उठाते नजर आए। लोगों का कहना है कि अगली बार वो छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, इसे तय करते वक्त अब उस इलाके के खाने की भी अहम भूमिका होगी। फूड इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ व्हेन वी डिसाइड वेयर टू गो। जब हम चुनते हैं कि छुट्टी में कहाँ जाएं, तो ये तय करने में खाने की अहम भूमिका होती है कि वहाँ जाकर कौन सी लजीज चीजें चखी जा सकती हैं। छुट्टियों के अगले ठिकाने की तरफ वहाँ का खाना खींच कर ले जाता है। द फूड इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट यू नो वी वांट टू हैव, इट इंक्लूड्स हैविंग अ गुड टाइम। इस बीच दिल्ली हाट में मेघालय अनानास उत्सव भी शुरू हो गया। इसी के जरिए अनानास की खेती और मेघालय में बनने वाले कृषि उत्पादों के अलावा उसकी कला और संस्कृति को बाकी देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए हमारे किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की भी मदद होती है, राज्य के पकवान में उसकी संस्कृति की झलक मिलती है, इससे पर्यटक भी आते हैं और अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। अनेकता में एकता के आइडिया को मद्देनजर रखते हुए अन्य राज्यों ने अपने संस्कृति को एक थाली में आज परोस दिया है। लक्ष्य ये है कि इस कारण उनके डोमेस्टिक टूरिज्म और इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, पुश मिले। कैमरा पर्सन AJ जोसेफ के साथ श्री रूपा गोस्वामी, NDTV इंडिया के लिए।